भोलेनाथ से एक ही अपील है कि भगवान सबका भला करे, सबको सुखी रखे और सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं भगवान से। मैं तो चाहता हूँ कि हर साल एक कांवर लेके आए, इन सबकी सकुशल वापसी। आज मेन बाजार बल्लभगढ़ में समाज सेवी व वार्ड नंबर 42 से पार्षद पद के उम्मीदवार गंगाराम तेवतिया का स्वागत किया गया। वार्ड नंबर 42 से पार्षद पद के उम्मीदवार गंगाराम तेवतिया के द्वारा एक और डाक कांवर का आयोजन किया, जिसको आज गंगाराम तेवतिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के मेन बाजार का है, जहां पर वार्ड नंबर 42 से पार्षद पद के उम्मीदवार गंगाराम तेवतिया डाक कांवर यात्रा को बाजार से निकलवा रहे हैं। समाज सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रिम रहने वाले गंगाराम तेवतिया आज भोले के भक्तों को डाक कांवर के लिए रवाना कर रहे हैं। वहीं इस डाक कांवर में भोले और पार्वती का किरदार निभा रहे कलाकारों ने बहुत ही उम्दा नृत्य किया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं गंगाराम ने बताया कि वह पहले भी कई कांवड़ यात्राओं को हरी झंडी दिखा चुके हैं और आज बल्लभगढ़ के मेन बाजार की कांवड़ यात्रा में उन्होंने सेवा दी है और सभी भोले भक्तों से अपील की है कि सभी शांतिपूर्ण ढंग से भोले की भक्ति में लीन होकर कांवड़ लेकर अपने निवास स्थान पहुँचें। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, क्या कहेंगे? देखिए, भोले के इस सावन में ये बहुत बड़ा महत्व है कांवड़ का, और जो जितने भी हमारे साथी जा रहे हैं उन सबसे एक ही अरदास है, भगवान का अच्छे से भजन करें और जैसे सकुशल जाएं और सकुशल वापसी करें। बच्चों से अपील क्या कुछ करिए, किस तरह से भोलेनाथ से बच्चों की मनोकामना भोलेनाथ से एक ही अपील है कि भगवान सबका भला करे, सबको सुखी रखे और सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं भगवान से, इन सबकी सकुशल वापसी हो। भाई साहब, कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं आप, क्या महत्व भोलेनाथ की आपका? ऐसा है जी, मेरे को भोले बाबा ने बहुत कुछ दिया है और ये मेरे सारे ग्रुप के बंदे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर साल एक कांवर लेके आए और अपने बाजार का नाम भी रोशन करे। जो हमारी समिति है आपका भी बड़ा सहयोग है, जो हमारी नवयुवक समिति है ना, हम ये चाहते हो हमेशा बनी रहे और हर साल कांवर लाते रहे। बोल सकते हैं भगवान।